भाजपा के महत्वाकांक्षी गांव चलो अभियान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े शनिवार को एक प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में कामठी तालुका के वडोदा की यात्रा की है। इस नियोजित 24 घंटे की यात्रा के दौरान कुल 18 विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया है। गांव चलो अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता से बातचीत की। लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। उनकी यात्रा से कामठी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह फैल गया है। वडोदा में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। सुपर वॉरियर संवाद बूथ प्रमुखों के साथ बैठक एवं चर्चा, बूथ समिति की बैठक, बूथ स्तर बूथ समिति की बैठक में पन्ना प्रमुख के साथ चर्चा हुई है। 50,000 यूनिट मध्ये 50,000 प्रवासी कार्यकर्ते गाव चलो अभियान करता आहोत। आमचे सर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यातले मंत्री, माननीय देवेंद्रजी परवा आपण बघितलं असाल पारडशिंग्याला, मी आज वडोद्याला मुक्कामी आहे। आम्ही सर्व 50,000 प्रवासी कार्यकर्ते गाव चलो अभियानाला निघालो आहोत। गावामध्ये केंद्र सरकार राज्य सरकारने केलेल्या योजना या प्रत्येक घरात पोहोचल्या की नाही पोहोचल्या, जर पोहोचल्या असतील तर त्या व्यवस्थित सुरू आहे की नाही, आणि ज्या पोहोचल्या नसेल त्याबद्दलच्या पुढच्या काळामध्ये त्या योजनाबद्दल गावाच्या जनतेला फायदा व्हावा, गरीब कल्याण, मध्यमवर्गीयाचं कल्याण, नारी शक्तींना वंदन, युवकांचा सन्मान अशा अनेक कार्यक्रम घेऊन आम्ही गाव चलो अभियान चालू आहे। आज येताना वडोद्यामध्ये वडोद्यातील शहीद, स्वातंत्र्यातील शहीदांना स्मरण करून वंदन करून या ठिकाणी सुरुवात केली आहे। 18 संघटनात्मक कार्य, काही विकासाचे कार्य, काही भूमिपूजनाचे कार्य या गावामध्ये आहे, आणि हे स्वातंत्र्यवीरांचं गाव आहे। स्वातंत्र्याच्या लढ्यात या गावाचं मोठं योगदान आहे, आणि म्हणून वडोदा गावामध्ये आज गाव चलो अभियान आहे। आणि 15 फरवरीपर्यंत महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण गावामध्ये गाव चलो अभियान पूर्ण होईल। इस अभियान से सरकार की कामों को जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ प्रकाश चुंकलवार की रिपोर्ट।